तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ पारस मिश्रा। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ वेस्ट बंगाल का ब्लैंक मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो वीडियो शुरू करेंगे, साथ ही वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जानेंगे, कुछ फैक्ट्स जानेंगे, दो तीन चार फैक्ट्स। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल का मैप भरना शुरू करूँ, सभी डिस्ट्रिक्ट लाइन से भरवाऊँगा। उससे पहले आपको मैं वेस्ट बंगाल के बारे में एक बात बताता हूँ। कभी गौर किया है जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वो जनरली है कहाँ पे? तो वो है जो ईस्ट में है। ये इस टाइप के होते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, लेकिन इसका नाम जो है वो क्या है, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जो वेस्ट बंगाल है पहले क्या था, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो था वो एक ही था। यानी कि दोनों पूरा का पूरा बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, यानी कि पूरा का पूरा बांग्लादेश ही था। वेस्ट बंगाल जो था वो बांग्लादेश का हिस्सा था, और बांग्लादेश जो था वो इंडिया का हिस्सा था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश टाइम का बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। तो जो इस साइड वाला बंगाल हुआ उसका नाम पड़ा वेस्ट बंगाल, और जो इस साइड वाला बंगाल हुआ उसका नाम पड़ा ईस्ट बंगाल। तो वैसे देखा जाए तो अब तो अगर इस पूरे बंगाल में देखा जाए तो ये तो वेस्ट में ही पड़ता है और ये ईस्ट में। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये हिस्सा जो था बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वो हमारा बन गया पाकिस्तान। और फिर बाद में 1971 में जो हुआ था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, मुक्ति वाहिनी वाला, उसमें क्या हुआ, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया और ये जो वेस्ट बंगाल था इसका नाम वेस्ट बंगाल ही रह गया, हालांकि अब ये ईस्ट में है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है। तो क्या आपको आज से पहले ये बात पता था? तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। हम ऊपर से करना शुरू करेंगे और पूरा धीरे धीरे करके नीचे तक जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता बांग्लादेश जो है वो एक लंबा सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल जो है वो एक लंबा सा स्टेट है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा दार्जिलिंग। तो DARJEELING, दार्जिलिंग। अब अगर हम जस्ट दार्जिलिंग से नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एकदम दार्जिलिंग से अगर नीचे आते हैं यहाँ पे, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये मिलेगा हमें जलपाईगुड़ी, JALPAIGURI, जलपाईगुड़ी। ये तीन देखना, ये बहुत आसान है वेस्ट बंगाल का मैप, क्योंकि बहुत ही इजी लाइन से ये, और स्टेट्स में आपको दिक्कत होता होगा या होता है बच्चों को, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मैप जो है सबसे आसान है। तो जलपाईगुड़ी, और इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कूच बेहर, COOCH और BEHAR, बेहर। देखो यार, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं या स्पेलिंग गलत लिख लूं, तो उसके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से नहीं हूं तो मुझे नहीं पता वहां पे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ जगह तो बहुत फेमस है जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हो सकता है मैं नाम या प्रोनाउंसिएशन गलत कर दूं। तो अगला जो आता है हमारा वो है हमारा उत्तर दिंजपुर। तो ये जो यहाँ पे एकदम लंबा सा और पतला सा दिख रहा है, ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ एरो डाल के, उत्तर और दिंजपुर, DINAJPUR, उत्तर दिंजपुर। इसके बाद अगर हम एकदम नीचे आते हैं तो नीचे हमें मिल जाएगा फिर दक्षिण दिंजपुर या दिनाजपुर। इसके एकदम नीचे अगर हम आते हैं तो ये अगर उत्तर था तो ये दक्षिण होगा, ये अगर नॉर्थ हुआ तो ये साउथ तो होगा ना, तो ये कौन सा है, ये है हमारा दक्षिण और DINAJPUR, दिनाजपुर। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो देखो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, उसके बाद इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो एकदम ये हर्ट टाइप में दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा बना हुआ, तो ये जो है ये हमारा मालदा, MALDA, मालदा। अगर हम अब धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं तो मालदा के नीचे जो आपको एकदम ऐसा दिख रहा होगा लंबा सा, तो ये हमारा मुर्शिदाबाद,
मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के अगर हम एकदम लेफ्ट में जाते हैं तो क्या है, तो इसके लेफ्ट में है हमारा बीरभूम। मुर्शिदाबाद के लेफ्ट में बीरभूम, BIRBHUM। और अगर हम बीरभूम से नीचे आते हैं, मुर्शिदाबाद बीरभूम, और बीरभूम से अगर हम नीचे आते हैं तो कौन सा है हमारा, बर्धमान, BARDHAMAN, बर्धमान। बर्धमान से अगर हम राइट में जाएं तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा हमें नादिया, NADIA, नादिया। बर्धमान से अगर राइट में जाते हैं तो हमें मिलेगा नादिया, और बर्धमान से अगर लेफ्ट में जाते हैं तो ये सबसे लेफ्ट वाला डिस्ट्रिक्ट जो है इसका, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सबसे साउथ वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये पुरुलिया, PURULIA, पुरुलिया। और पुरुलिया के एकदम राइट में अगर हम जाते हैं और बर्धमान के नीचे आते हैं तो हमें मिलेगा बंकुरा, BANKURA, बंकुरा। बंकुरा के अगर हम एकदम नीचे आते हैं, बंकुरा के अगर हम एकदम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पश्चिम मेदिनीपुर, PASCHIM, पश्चिम मेदिनीपुर, EDNIPUR, पश्चिम मेदिनीपुर। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड एकदम ना के बराबर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी इजीली आपको हो जाएगा। अब जैसा कि पश्चिम मेदिनीपुर है तो पूर्वी मेदिनीपुर भी होगा ही, कंफर्म है, तो ये हो गया हमारा पूर्वा मेदिनीपुर, PURVA, पूर्वा और मेदिनीपुर। पहले ऊपर में पश्चिम मेदिनीपुर और नीचे में पूर्वा मेदिनीपुर। और अगर पूर्वा मेदिनीपुर के बीच में ये वाला हम यहाँ पर देखें, ये जो छोटा सा पश्चिम है पूर्वा के एकदम जस्ट साइड में है, तो ये कौन सा है, ये है हमारा हावड़ा। जिस सीक्वेंस में मैं भर रहा हूँ उसी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो, जल्दी होगा, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं और सुनते हैं वो जल्दी हमें समझ आता है। HOWRAH, हावड़ा, हावड़ा। और हावड़ा के ऊपर में क्या है, तो हावड़ा के ऊपर में हुगली है, हुगली, HOGHLY, हुगली, हावड़ा हुगली, या फिर हुगली हावड़ा, हावड़ा से ऊपर हुगली, ठीक है। और उसके ऊपर तो वर्धमान है ही, आपको पता ही है। अगर हम हावड़ा और हुगली के राइट में जाते हैं और नदिया के नीचे में आते हैं, नदिया के नीचे में आते हैं और हुगली और हावड़ा के राइट में जाते हैं तो एक स्टेट आता है, उस स्टेट का नाम है हमारा नॉर्थ परगनाव, PARGANAF, नॉर्थ परगनाव, नॉर्थ 24 परगनाव भी कहते हैं इसको। और उसके बाद आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा ये छोटा सा, छोटू सा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है हमारा कोलकाता, वेस्ट बंगाल का कैपिटल, छोटा सा जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल का कैपिटल। अब नॉर्थ परगनाव यहाँ पे था तो साउथ परगनाव ये होगा यहाँ पे, तो ये कौन सा है हमारा, ये है साउथ और 24 परगनाव, PARGANAS, साउथ परगनाव। तो गाइस इस तरह से हमारा जो वेस्ट बंगाल का ब्लैंक मैप था वो हमने भर लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं वेस्ट बंगाल, या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये ऊपर में सबसे पहले दार्जिलिंग, फिर जलपाईगुड़ी, फिर कोच बेहर, फिर उत्तर दिनाजपुर, फिर दक्षिण दिनाजपुर, फिर मालदा, फिर मुर्शिदाबाद, उसके बाद है बीरभम, और उसके बाद है नादिया यहाँ पे, और फिर बर्धमान, फिर पुरुलिया, फिर बंकुरा, हुगली, हावड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वा मेदिनीपुर, और यहाँ पे नॉर्थ 24 परगनाव और साउथ 24 परगनाव, और ये रहा कोलकाता हमारा जो छोटा सा है बहुत, वो है हमारा कैपिटल। जानते हैं वेस्ट बंगाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, टोटल डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट है आपके 23। और अगर इसके एरिया की बात करें, वेस्ट बंगाल का एरिया कितना है, वेस्ट बंगाल का एरिया है हमारा 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पर अगर हम इसकी कैपिटल की भी बात कर लें तो सबको पता है कोलकाता है,
और वैसे पहले जो हमारा आज का बांग्लादेश है और आज का वेस्ट बंगाल है, वो दोनों एक ही हुआ करता था, तो पूरा ही बंगाल हुआ करता था, बंगाल प्रांत। तो लॉर्ड कर्जन ने इसको अलग कर दिया और इसके बाद ये वेस्ट बंगाल बन गया, और वो जो था वो आज़ादी के बाद बना पूर्वी पाकिस्तान। और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, जिसमें बांग्लादेश बन गया एक देश। तो होप सो आपको समझ आया होगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।